मित्र यहाँ पे हमारे एक व्यूअर्स HDFC बैंक का रिगालिया कार्ड इस्तेमाल करते थे और इनको बैंक ने एक हाई वर्जन का क्रेडिट कार्ड दे दिया जिसका ज्वाइनिंग फीस 10,000 प्लस GST है। अब यहाँ पे बैंक ने एक ऑफर दे दिया कि हम आपको एक साल तक फ्री ज्वाइनिंग फीस के साथ एक कार्ड देंगे, इसके बाद आपको ज्वाइनिंग फीस लगेगा। कहानी क्या है, क्या हमें इतना हाई ज्वाइनिंग वाला क्रेडिट कार्ड रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, चलिए बताते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। मित्र यहाँ पे कोई भी कस्टमर हो, अगर बैंक बोलेगा फर्स्ट जो पहला साल है इसमें कोई भी आपका ज्वाइनिंग फीस नहीं लगेगा, तो मेरे हिसाब से 100 में से 80 कस्टमर तो बिना सोचे बिना समझे इसमें लग जाएंगे कि भाई चलो पहला साल तो फ्री में मिल रहा है और क्या दिक्कत है। मित्रों मैं बता दूं, कभी भी अगर आप क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग फीस अधिक है अगर आप ले लेते हैं तो दिक्कत आज आपको नहीं होगा, एक साल बाद जब उसकी ज्वाइनिंग फीस लग के आपके बिल में आएगी तो आप उसको भर नहीं पाओगे। और आप कार्ड को ज्यादा यूज नहीं करते हो, महीने में यूज करते हो, दो चार महीने में यूज करते हो, तो आपके लिए वो 10,000 रुपये बहुत ज्यादा है। तो अब इनके पास रिगार्डिया कार्ड है, उसको यूज कर रहे हैं, तो ऐसे बैंक इनको हाई वर्जन का कार्ड दे जाएगा और उसकी ज्वाइनिंग फीस हाई रहेगी। तो इन्होंने इसके लिए मना कर दिया क्योंकि इनका यूज करने का तरीका बहुत कम है, यूज बहुत कम करते हैं। तो क्या मित्रों ऐसे कार्ड को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर ऑफर आया है कार्ड को अपग्रेड करने का क्या करना चाहिए? मित्रों देखिए, अगर आप एक बिजनेसमैन है, आपके लेन देन बहुत ज्यादा है, ज्यादा यूज करते हैं, तो आप कार्ड को अपग्रेड कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है, गांव देहात से आते हैं, ज्यादा यूज करना नहीं है, कभी मन किया कर लिया, कभी मन किया नहीं किया, तो इस कंडीशन में आपको हमेशा लो ज्वाइनिंग फीस वाला कार्ड रखना चाहिए क्योंकि उससे दिक्कत आपको नहीं होगा। एक हमारे मित्र थे, उनको क्रेडिट कार्ड मिला था ICICI बैंक का, काफी हाई ज्वाइनिंग फीस था, परेशान हो गए, इतना हाई ज्वाइनिंग फीस मैं क्या करूंगा। बैंक को मेल किए, कार्ड को डाउनग्रेड कर दो, बैंक ने बोला डाउनग्रेड भी नहीं होगा। उन्होंने मतलब कि 2-3 साल ज्वाइनिंग फीस पे किया, पे करते करते थक गए, लास्ट में बोले भाई हमारा कार्ड ही क्लोज कर दो। पता है क्यों? क्योंकि वो जितना यूज नहीं किए उससे अधिक वो ज्वाइनिंग फीस पे कर दिए। तो मित्रों अगर जिसको जरूरत कम है वो इस तरह के कार्ड बिल्कुल ना ले, किसी की बातों में ना आए। मैं बैंक के कार्ड की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोग को सलाह दे रहा हूं जो बेचारे रोज के 300 रुपये कमाते हैं, 400 रुपये 500 रुपये कमाते हैं। अगर 500 रुपये रोज के कमाते हैं तो महीने का 15,000 रुपये हो गया, और एक 15,000 रुपये वाला कमाने वाला आदमी अपना जेब खर्चा और भी चीज लेके फैमिली खर्चा लेके क्या बचाएगा? और अगर साल का 10,000 ज्वाइनिंग फीस पे करना पड़े तो कैसे पे करेगा? तो इस कंडीशन में कभी भी आपको हाई ज्वाइनिंग फीस वाला क्रेडिट कार्ड नहीं रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं शौक के मारे क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करवा लेते हैं और बाद में वही लोग डिफॉल्टर बन के घूमते हैं, प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो आपको जितना जरूरत है उतना यूज करो, शौक में मत जाओ। कोई भी कार्ड आपके पास है मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी देता हूँ, जितने भी कार्ड आप ले लोगे सबका नियम रूल सेम रहेगा। कुछ कैशबैक, कुछ रिवार्ड पॉइंट, कुछ इंश्योरेंस, यही सबका चक्कर रहेगा, बाकी सारे कार्ड के काम सेम ही रहेंगे। चाहे आप लो ज्वाइनिंग फीस वाला कार्ड यूज करो, चाहे हाई ज्वाइनिंग वाला यूज करो, हर जगह वो भी काम करेगा, हर जगह वो भी काम करेगा। कुछ बेनिफिट थोड़े अलग रहेंगे बट वो बेनिफिट आपके काम का नहीं होगा, तो आपको सावधानी बरतनी है। आप बताना आपके पास कितने ज्वाइनिंग फीस वाला क्रेडिट कार्ड है। वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना।